इन केस ऑफ वर्टिकल टेंजेंट ऐसे भी केस में फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है भैया। अच्छा तो हम क्या कह रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करने पहले आओ कुछ थ्योरम जान लेते हैं। थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। देखो भैया, अगर मान लो, एक मिनट रुको, इफ लिखिए, मान लो दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, अगर दोनों मान लो डिफरेंशिएबल हैं, उनका सम जो होता है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट, ये भी डिफरेंशिएबल होता है, हाँ, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल at a point x equal to a then f plus minus g f into g f upon g is also differentiable एट एक्स इक्वल टू ए। इस वाले केस में जी जीरो नहीं होना चाहिए, ए पर जी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया। तो अगर दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो ऐसा होता है। बहुत ही मददगार थ्योरम है ये, हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी में देख चुके हैं हम लोग ये बात, कि डायरेक्ट सवाल देख करके हम बता देंगे वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अगली बात देखिए, अच्छा मान लीजिए कि एक डिफरेंशिएबल हो और एक डिफरेंशिएबल ना हो, डिफ मतलब डिफेंसिबल है एंड जी एक्स इज नॉन डिफेंसिबल, नॉन डिफेंसिबल। मान लो एफ एक्स आपका डिफेंसिबल है और जी एक्स जो है वो डिफेंसिबल नहीं है, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में इनका जो सम होगा वो सम या डिफरेंस वो क्या बोलते हैं कि डिफेंसिबल तो नहीं होगा लेकिन प्रोडक्ट या कोशेंट हो सकता है। एक मिनट, हाँ एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, वही सेम बात, से देन एफ प्लस माइनस जी इज नॉन डिफरेंशिएबल। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो ऐसे केस में उस पॉइंट पे एफ प्लस माइनस जी डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
और एफ एक्स इंटू जी एस जो है वो क्या हो गया, और एफ एक्स अपॉन जी एस डिफ्रेंसिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कब हो सकता है आइए देखते हैं, वही वाला केस है। केस क्या है, कि इफ y इक्वल टू मान लो एफ एक्स इंटू जी एक्स, वाई जो है आपका वो है आपका एफ एक्स और जी एक्स टाइप का है, तो मान लो अगर वो साइन एक्स एक्स साइन एक्स हो जाए, साइन एक्स वन बाई एक्स जीरो जीरो हो रहा था, ठीक है। अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाए, हाँ, वेयर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, वेयर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड लास्ट क्लास में आप मॉड एक्स की डिफरेंसिबिलिटी पे डिस्कस करने वाले थे। अच्छा ठीक है, इस थ्योरम के बाद हम कर देंगे। हम कह रहे हैं अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और एक फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, तो ऐसे केस में इनका जो प्रोडक्ट होता है या इनका जो डिवीजन होता है, इनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, डिफरेंशिएबल हो भी सकते हैं। हाँ, तो जैसे इनका प्रोडक्ट अगर कि क्या होगा डिफरेंशिएबल, मान लो वेयर एफ एक्स डिफरेंशिएबल एंड जी एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, देन y is theory है मेरी, then y is differentiable at x equal to a if and only if f a and g a both are zero, f a and g a both are zero, एक continuity वाली बात है, एक function continuous एक function discontinuous, तो अगर उस पॉइंट पे पॉइंट ए पर अगर दोनों फंक्शन जीरो बन रहे होते हैं तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है, वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल हो जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल ले लो, मान लो एफ एक्स हो जाए आपका एक्स और जी एक्स आपका हो जाए मॉड में एक्स माइनस वन, नहीं मॉड में एक्स, तो हमें देख रहे हैं कि ये आपका डिफरेंशिएबल है और मॉड एक्स जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है, जिसका प्रूफ अभी हम करेंगे, मॉड एक्स क्या है जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएबल है और ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वाई क्या है आपका, मान लो इनका प्रोडक्ट है एक्स मॉड एक्स, ये वाई आपका है एक्स मॉड एक्स, ये आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो। आइए दिखाते हैं कैसे हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यही है आपको भाई, मतलब एफ एक्स कह लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट ऑफ एच टेंड टू जीरो, कहां पे चेक कर रहे हैं जीरो पे ना, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, लिमिट ऑफ एच टेंड टू जीरो माइनस एच हो जाएगा, जीरो तो मतलब है ना, तो माइनस एच क्या होगा आपका, ऐसा हो जाएगा, और ये एक्स मॉड एक्स है, एच ले लेंगे तो माइनस एच और मॉड माइनस एच, माइनस एफ जीरो कितना है, जीरो पे जीरो है अपॉन माइनस एच, तो इससे कट जाएगा
एच टेंड टू जीरो पे आउटपुट कितना आएगा आपका, जीरो आएगा। ट्राइफिन डेरिवेटिव देखो, लिमिट एच टेंड टू जीरो, अच्छा, और एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, तो लिमिट ऑफ एच टेंड टू जीरो, एफ एच क्या होता है आपका एच मॉड एच हो जाएगा, और माइनस जीरो अपॉन एच, एच से एच कट जाएगा, एच टेंड टू जीरो पे जीरो आएगा। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ गया। ठीक है, तो हम कह देंगे क्या कि ये हमारा जो है डिफरेंशिएबल, ये हमारा जो है डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, ऐसे केस में हम उनका प्रोडक्ट और जो डिवीजन होता है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है। सम और डिफरेंस तो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इनका प्रोडक्ट और डिवीजन जो है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है। हाँ, डिपेंड करता है कि जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो उस पॉइंट पे दोनों ही फंक्शन अगर जीरो हो रहे हैं तो, जीरो नहीं हो रहा है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जीरो नहीं हो रहा है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल आपको दे रहे हैं आप समझ जाएंगे भी। आप ये मिटा दें भैया, मिटा दे रहा हूँ उसको, हाँ मिटा दे रहा हूँ मैं इसको। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, जैसे एफ एक्स आपका हो जाए एक्स माइनस वन मॉड एक्स माइनस वन एट एक्स इक्वल टू वन, बताना है आपको क्या होगा, आंसर लिखो डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल। एक फंक्शन है एक्स ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, फंक्शन है एक्स माइनस वन लॉग में मॉड लगा लो एक्स एट एक्स इक्वल टू वन पे, तीनों ही क्या है, तीनों ही डिफरेंशिएबल होंगे ना, हाँ तीनों ही डिफरेंशिएबल होंगे क्योंकि एक्स इक्वल टू वन पे देखो, अगर इंडिविजुअली बात करें तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, जीरो पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, वन पे लॉग मॉड एक्स भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जीरो होता है मॉड लगने पर वो वहां पे कॉर्नर पॉइंट आता है, लेकिन ये तीनों ही क्या है डिफरेंशिएबल, तीनों ही क्या है डिफरेंशिएबल है, क्यों, क्योंकि उस कॉमन पॉइंट पे सभी दोनों ब्रैकेट जीरो हो रहे हैं। उस कॉमन पॉइंट पे सर पिछला वाला छूट गया, पिछले पेज पे खोल दीजिए, अच्छा तो जब पूछे हो गया बेटा तो बोलना चाहिए ना तुरंत कि नहीं हुआ, अब तो ये उसके ओवरलैप पड़ेगा इस पे। यही है पिछला वाला बेटा, लिख लो हो जाए बताना, फिर आगे बढ़ेंगे, हो जाए बताइएगा आगे बढ़ेंगे भैया हम लोग को। हाँ चलिए ठीक, देखिए हम लिख रहे हैं फिर से,
ठीक है, यहां रखते हैं हम लोग, ये तीनों ही क्या डिफरेंसिबल, तीनों ही क्या भैया डिफरेंसिबल है, ठीक है बच्चों, डरेंगे नहीं। अच्छा एक एग्जांपल ऐसे ले लो, जैसे मान लो एक हम ले लिया सर, कैसे डिफरेंशिएबल है सर, एक बार बता दीजिए। तो क्योंकि अभी तो बताया ना मैंने, देखो ये फंक्शन क्या है, x इक्वल टू वन पे जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, ये फंक्शन दोनों जीरो हो रहे हैं, इसलिए डिफरेंशिएबल होगा, दोनों का प्रोडक्ट, एक तो डिफरेंशिएबल है, हाँ तो वन पे दोनों जीरो जा रहे हैं, ऐसे जीरो पे दोनों जीरो जा रहे हैं, वन पे भी ये दोनों जीरो। हाँ, अभी देखो दे रहा हूँ मैं, अभी मैं दे रहा हूँ, देखो ध्यान दो, मान लो x ले लो, लेटेस्ट इंटरसेक्शन में x माइनस वन ले लो, और x इक्वल टू जीरो पे तो अब ये डिफरेंसिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो जीरो हो रहा है लेकिन जीरो पे ये जीरो नहीं हो रहा है, x इक्वल टू जीरो पे ये क्या हो रहा है, माइनस वन हो रहा है, ठीक है, तो ये डिफरेंसिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पे जिस चेक कर रहे हो उस पर दोनों फंक्शन जीरो नहीं है, दोनों फंक्शन जीरो नहीं है। या ऐसा ले लो x प्लस वन साइन हटाओ, x प्लस वन साइन x x प्लस वन यही ले लो, x माइनस वन ले लो और ये x ले लो, और x इक्वल टू जीरो पे देखो, x इक्वल टू जीरो पे इस बार ये जीरो हो रहा है लेकिन ये जीरो नहीं, तो माइनस वन हो रहा है, तो यहाँ भी क्या, ये भी डिफरेंसिबल नहीं है, ठीक है, क्या मतलब दोनों ही जब जीरो हो जाते हैं तो ऐसे केस में प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंसिबल एंड नॉन डिफरेंसिबल फंक्शन इज डिफरेंसिबल, ठीक है, याद रखेंगे इस बातों को। अच्छा हमको मालूम है कि कोई फंक्शन अगर है, ध्यान ध्यान सुनना, एक थ्योरी बना रहा हूँ, कोई फंक्शन है जो मान लो एफ एक्स, तो अगर ये डिफरेंसिबल है, अच्छा और मॉड एफ एक्स ले लो, मॉड एफ एक्स ले लो, तो जब एफ एक्स जीरो हो जाएगा तो उस केस में वाई तो डिफरेंसिबल नहीं होगा, वाई क्या होगा, वाई इज नॉन डिफरेंसिबल, क्यों, क्योंकि भाई कॉर्नर, वहां पे कॉर्नर पॉइंट मिलेगा ना जहां फंक्शन जीरो हो जाएगा मॉड लगने के बाद, मॉड के अंदर अगर फंक्शन जीरो हो रहा होता है तो उसके अबाउट अपने वो वैल्यू चेंज करता है तो वहां पे कॉर्नर पॉइंट मिलता है, ठीक है, जब भी किसी फंक्शन में अगर मॉड लग जाता है, मॉड लग जाता है तो जहां जहां फंक्शन जीरो होता है उस पॉइंट पे कॉर्नर पॉइंट मिलता है, फंक्शन वहां वहां डिफरेंसिबल नहीं होता, ठीक है, इस बात को हम लिखाना चाहते हैं, इस बात को हम लिखाना चाहते हैं, तो टेंजेंट नहीं बन पाएगा। हाँ विनीता, गुड गुड बेटा, तो इस बात को हम लिखाना चाहते हैं, स्क्रीन में डाल रहे हैं, जितने पॉइंट लिखा लिए उससे आगे बढ़ेंगे हम, तो लिखिएगा मेरी बातों को, मेरी बातों को लिखिएगा, अगला पॉइंट जो भी हो, यानी कितने पॉइंट लिखवाए थे हम, दो तीन पॉइंट लिखवाए थे ना, तीसरा पॉइंट देखिए कि इफ y इक्वल टू मॉड एफ एक्स देन फॉर ऑल x एट विच एफ एक्स इक्वल टू जीरो मॉड एफ एक्स will be having corner point hence y will be non-differentiable, ध्यान रखेंगे इस बात को, टेंजेंट बनेगा बट मोर देन वन टेंजेंट पॉसिबल होगा, गुड अभिनव, हाँ वही बात है, यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगा, हाँ यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगा, ठीक है भैया, तो कह रहे मतलब क्या है, कह रहे मतलब यही है कि अगर कोई फंक्शन मॉड में है तो
तो जिस जिस पॉइंट पे फंक्शन जीरो हो रहा होगा, हाँ जिस जिस पॉइंट पे फंक्शन जीरो हो रहा होगा, मॉड में एफ एक्स के पास उस पॉइंट पे कॉर्नर पॉइंट आ रहा होगा, और तो इस केस में जो आपको वाई होगा, मतलब जो फंक्शन है आपका, जो सवाल है, वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, हेंस वाई विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट ऑल दोज एक्स, मतलब ये वाला. For which fx equal to zero. अब देखो इसी का एक, इसी को घुमा के एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं, इसी को घुमा के एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं कि जैसे मान लो कि ऐसा मान लो कि if gx is differentiable, हाँ यहाँ पे जो फंक्शन है अगर मॉड ना लगे तो फंक्शन को डिफरेंशियबल होना पड़ेगा. खैर इसको मैं लिखा रहा हूं, इफ जी एक्स इज डिफरेंशियबल, इफ जी एक्स इज डिफरेंशियबल, और मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड जी एक्स, इफ जी एक्स इज डिफरेंशियबल एंड फंक्शन एफ एक्स में अगर मॉड जी एक्स है इज नॉन डिफरेंशियबल, इसी का उल्टा इज नॉन डिफरेंशियबल, इसका मतलब ये होगा देखो कोई फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल था किसी पॉइंट पे, और उसी अगर मैंने मॉड ले लिया तो जो एक नया फंक्शन बना वो अब नॉन डिफरेंशिएबल है, वो अब नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए किसी एक पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू ए. इसका मतलब क्या मालूम है, इसका मतलब जो जी एक्स है वो ए पर जीरो हो रहा होगा. इसी का मैंने दूसरे तरीके से दिया, यहाँ पे क्या था अगर मॉड में एफ एक्स है तो एफ एक्स जिस पॉइंट में जीरो होगा वहां वहां आपका एक फंक्शन डिफरेंसिबल नहीं होगा, और हमने यहाँ पे क्या बोला कि अगर जी एक्स डिफरेंसिबल कोई फंक्शन है मान लो, उस पर मैंने मॉड लगा दिया, और मॉड लगाने के बाद यदि अब ये डिफरेंसिबल नहीं रहा, इसका मतलब ए पर जी एक्स जीरो हो रहा होगा, तभी इसका मॉड जो है वहां पे जीरो हो गया, और इसका मतलब डिफरेंसिबल नहीं रहा. ठीक है, तो आप कभी भी ये भी चेक कर सकते हो कि इफ जी एक्स इज डिफरेंसिबल बट इट्स मॉड इज नॉट डिफरेंसिबल एट अ गिवन पॉइंट एक्स इक्वल टू ए मान लो, then we can conclude then ga equal to 0, iska matlab ga 0 hoga, iska matlab ga 0 hoga, iska matlab ga 0 hoga, iska matlab ga 0 hoga. theek bhaiya, अच्छा आगे बढ़ते हैं. तो हमने ये जाना कि अगर कोई दो फंक्शन है तो उनका सम डिफरेंस, सर एक्स इक्वल टू ए जो पॉइंट आएगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा क्या? हाँ क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं उसको. अब क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बेसिकली हम तब बताएंगे जब हम लोग आएंगे मैक्सिमम मिनिमम पे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. ठीक है, उसको आप क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हो. वहां से कर्व की कॉन्केविटी भी चेंज हो रही है, हो सकती है मॉड लगने पर कर्व की कॉन्केविटी भी चेंज होती है, क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हो. डिफरेंसिबल नहीं है तो उसको क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हो. आगे बढ़े क्या? क्रिटिकल पॉइंट का नाम हमने अब तक क्यों नहीं लिया सर? क्योंकि अभी हम जब पढ़ेंगे, जब जरूरत आएगा बताएंगे. तो क्रिटिकल पॉइंट की दो तीन बातें फिर परिभाषा में होती हैं, तो इस पर हम लोग जब जिक्र करेंगे तो बताऊंगा. हाँ अच्छा आगे बढ़ते हैं. चौथे पॉइंट के लिए एग्जाम्पल सर, चौथे पॉइंट के एग्जाम्पल जावेद मियां लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए. जैसे मान लीजिए कि साइन एक्स इज डिफरेंसिबल एवरीवेयर. तो हाँ साइन एक्स तो लहर है, यह हर जगह स्मूथ होता है, यह हर जगह डिफरेंसिबल है. हर जगह क्या है? हो गया, हर जगह क्या है? डिफरेंसिबल है, डिफरेंशिएबल है. हाँ तो और जो मॉड साइन एक्स है इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू एन पाई. क्यों? हर इंटीग्रल मल्टीप्लाई पाई पे साइन एक्स जीरो होता है तो मॉड कॉर्नर मिल जाएगा, मॉड एक्स मॉड साइन एक्स पे कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा. हाँ मॉड साइन एक्स मालूम कैसे बनता है? मॉड साइन एक्स ऐसा बनता है
मोर जगह है तो नीचे नहीं जा पाता ग्राफ, यहीं से ऊपर आ जाता है, नीचे नहीं जा पाता है ग्राफ, यहीं से ऊपर आ जाता है। तो इस हर पॉइंट पे यहाँ पे आपको कॉर्नर पॉइंट मिल जाता है। अभी मैं ग्राफ बनवाता थोड़ी देर में, ठीक है। एक्स इक्वल टू वाई, बढ़िया है गौरव भाई। हाँ कह रहा सर वाई इक्वल टू अगर एक्स हो जाए ऐसे केस में, देखो जीरो पे क्या होगा, ये भी डिफरेंसिबल नहीं है, मतलब क्यों, मतलब ये तो डिफरेंसिबल है लेकिन जीरो पे जीरो हो रहा है, इसका मतलब मॉड में अगर एक्स ले लोगे, इसी को अगर मॉड में ले लोगे ये डिफरेंसिबल नहीं होगा, और वास्तव में जीरो पे डिफरेंसिबल ये नहीं होता है मॉड एक्स, ठीक है गौरव। फॉर एग्जाम्पल ये था ना वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो वाई इक्वल टू एक्स तो जीरो डिफरेंसिबल है, लेकिन वाई इक्वल टू मॉड एक्स जो है जीरो डिफरेंसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि जीरो पे एक्स जीरो होता है, मतलब मॉड एक्स जीरो हो जाए, ठीक है भैया। अगली प्रॉपर्टी लिखवाएं कि अभी और एग्जांपल ले लें, अब तो क्लियर हो गया, सिंपल था। यस हाँ सर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। दो के चुपचाप दिमाग में बैठा हाँ भैया। चलिए टाइम खत्म, तो आइए नेक्स्ट मीटिंग में आते हैं, मिलते हैं, इसको रिज्वाइन करिएगा, एंड कर रहा हूँ।